हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में। एसएससी एमटीएस टीयर वन का रिजल्ट 5 नवंबर को आ चुका है और इसी के साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो टीयर वन में 24 तारीख को अपियर होंगे, 24 तारीख को इस परीक्षा में शामिल देंगे। 24 तारीख को जो टीयर टू का परीक्षा होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके लिए ये बहुत ही संशय का विषय था कि सिर्फ एसे लिखना पड़ेगा या लेटर लिखना पड़ेगा या एसे लेटर दोनों लिखना पड़ेगा। उसका आंसर शीट का फॉर्मेट क्या होगा, बॉक्स जैसा आंसर शीट दिया जाएगा या नॉर्मल जैसे पेज होता है वैसा दिया जाएगा। तो आज मैं सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एसएससी एमटीएस के ये प्रोस्पेक्टस का पेज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यहाँ में टीयर टू एग्जाम स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। टीयर टू का एग्जाम स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, शॉर्ट एसे और लेटर, यहाँ पे ऑब्लिक दिया हुआ है यानी कि और लेटर, शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि एसे और लेटर में से कोई एक विकल्प का ही चयन करना होगा, या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो हम लेटर लिखेंगे, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो लैंग्वेज होगा हम इंग्लिश में लिख सकते हैं या संविधान में वर्णित जो भी भाषाएं हैं उसमें लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको आंसर शीट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस आंसर शीट में आपके लिए एक कॉलम होगा कि आप किस भाषा में आंसर देना चाहते हैं, वहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहें लिख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सारे भाषा का उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो आप उसमें सर्किल को डार्क भी कर सकते हैं और अपना भाषा का चयन वहाँ पे एट द एग्जामिनेशन पॉइंट कर सकते हैं। उसमें कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और मात्र 30 मिनट्स है, यानी कि 30 मिनट में दोनों लिखना संभव भी नहीं है। 30 मिनट में बस आप एक विकल्प का चयन करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आंसर शीट पे, लेकिन आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का सारा वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव का एक एक करके हम लोग करेंगे, एसे का भी और लेटर का भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट दिया हुआ है आंसर शीट का, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऊपर में, फॉर्मेट ऑफ CGL LDC MTS डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। यानी कि 4 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, हो सकता है कि वहाँ पे कभी कभी 5 बॉक्स भी दे दिया जाता है। इस तरह से 4 या 5 बॉक्स का कॉलम होगा और इसी बॉक्स में हमें लिखना पड़ता है। ये बॉक्स क्यों दिया जाता है, बॉक्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि आधा घंटा का समय और 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें वर्ड लिमिट होते हैं, शब्दों की संख्या जो है वो बहुत ही नियमित है, उसमें फिक्स्ड है। उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम लिखते हैं 10% प्लस माइनस के अलावा अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसमें मार्क्स कटने की संभावनाएं पूरी होती है। इसलिए बॉक्स जो बनाया हुआ रहता है उस बॉक्स में 1 पेज 2 पेज 3 पेज आप जितना लिखते हैं, क्योंकि बॉक्स तो नंबर ऑफ बॉक्स फिक्स है पर पेज में, तो उसको पता चल जाता है कॉपी चेक करने वाले टीचर को, क्योंकि मैनुअली ये कॉपी चेक होता है कि आप कितने शब्दों में आंसर दिए हैं, इसलिए इस बॉक्स जैसा आंसर शीट दिया जाता है। लेकिन ये जो बॉक्स वाला आंसर शीट है वो 2017 के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में दिया गया था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं 2018 यानी कि पिछले बार की बात करते हैं, तो वहाँ पे उस एग्ज़ाम में पिछले बार के डिस्क्रिप्टिव MTS के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में ऐसा बॉक्स वाला आंसर शीट नहीं दिया गया था। नॉर्मल जो कॉपी होता है ये रूलिंग कॉपी वैसा ही पेज दिया गया था और उसी में लिखना था, लेकिन उसमें भी आप लिखते समय अपने वर्ड्स को फिक्स रखेंगे, जितने वर्ड्स में कहा जा रहा है उतने ही वर्ड्स में लिखेंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लिख देंगे बहुत ही अच्छे से तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि MTS डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम में लिया जा रहा है। क्योंकि आप आगे पोस्ट पे जाइएगा तो शॉर्ट में आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा, ऑफिशियल वर्क ऑफिशियल पोस्ट पे अगर आप चुने जाते हैं तो, इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिक्स वर्ड है फिक्स वर्ड में ही लिखा जाएगा। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे के वीडियो में हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में किस तरह से लिखा जाए जो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स MTS डिस्क्रिप्टिव में आ सकें, 10 टॉपिक लेटर का और 10 टॉपिक ऐसे का हम लोग करेंगे आज से ही। थैंक यू।